सिंगरौली के देवसर में वन अमले की मिली भगत के चलते सागौन के पेड़ सहित अन्य कई वृक्षों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत भी अधिकारियों से की, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बताया जा रहा है वन माफिया अब दूसरी जगह पेड़ों को काटने की तैयारी में है, जिसमें उस क्षेत्र के वन प्रभारी लगातार उनका साथ दे रहे हैं। बूढ़ाडाट गाँव निवासियों ने जियावन वन परिक्षेत्र अधिकारी राम सजीवन जायसवाल को कई बार लिखित शिकायत में अवैध सागौन सहित कई पेड़ों को काटने जाने की बात बताई, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि मोहनलाल पटेल और छोटेलाल पटेल ने एक हेक्टेयर में फैले करीब 250 पेड़ सागौन और करीब 9,500 पेड़ सिद्धा के काट दिए और बेच दिया। उसके बाद बीच जंगल में जुताई कर दी गई है, साथ ही अन्य पेड़ों को भी काटने की तैयारी में है। ग्रामवासियों का कहना है कि इस पूरे मामले में वन का चौकीदार भी शामिल है। पेड़ों की कटाई उसके सामने की गई है, जिसकी जानकारी बीट गार्ड को है, लेकिन कार्यवाही करने से अनदेखा कर दिया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी राम सजीवन जायसवाल के द्वारा भी अवैध पेड़ों की कटाई पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, यहां तक कि शिकायत या आवेदन की पावती भी नहीं दी गई है। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने अवैध कटाई और कब्जे को लेकर DFO से इस संबंध में चर्चा करने के साथ कार्रवाई की बात कही है। जियामन रिंड की ग्राम पंचायत बूढ़ाडार में डिघौली प्लांटेशन की जुताई कुछ लोगों द्वारा वहां की गई है, जिसकी शिकायत हम ग्रामवासी कई जगह किए। उसकी सुनवाई आज दिनांक 15 ही हुई। जोतने वाले का नाम मोहनलाल पटेल व छोटेलाल पटेल के द्वारा आज कई वर्ष से जुताई वहां हो रही है। हम ग्रामवासियों कई शिकायत हर ऑफिस में दिए, आज दिनांक तक कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। ये मामला भी हमारे संज्ञान में आया, तो हम जो वन मंडल अधिकारी से बात करेंगे, जिससे कि उसकी समुचित जांच हो सके और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उन पर फिर कार्रवाई उसमें की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।